स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे काम कर रहे हैं। तो करेगी यहाँ तक करना है स्कूल, यहाँ तक। अरे इतना तो करे कम से कम, यहाँ तक वहाँ तक देखी सब पढ़ाए, देखी क्या करती है। जल्दी शिका तुम दिखा दो, जाओ जल्दी आओ दौड़ के। अरे दौड़ के नहीं आ सकती हूँ, तो सबको याद कराया था कल बैठ के। ये प्रियांशी है, इसने अपने स्कूल यूनिफॉर्म में जो झाड़ू लगा रही है, ये रिवर साइड स्कूल की बच्ची है, ये स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी है इसने, और ये भी इसने अपना काम ड्यूटी पूरी ख़त्म नहीं करी पूरी, तो इसको काम कराया जा रहा है स्कूल यूनिफॉर्म में। लाओ मैं कराऊँ क्या यूनिफॉर्म में, हैं ममता मैं कराऊँ क्या यूनिफॉर्म में कर रहे हैं बच्चे, मैं कराऊँ करेंगे हैं। वो जो यहाँ कर रही होगी वो भी तैयार होने चली गई दिखती है ना, इसलिए। अच्छा अच्छा इन लोगों को नाश्ता लगा दूँ क्या, जल्दी जल्दी तैयार हो गया, थोड़ा थोड़ा पोहे डाल के दे दूँ प्लेट में, हैं ला जाओ प्लेट लेकर आ जाओ। तो ये क्या है, ये यहाँ क्यों रखा है, ये क्या है इसमें भी देखो, ये देख, ये क्या है, ये किसका है, ये भगोना था यहाँ। बैग तो बहुत फट गया बच्चा, है देखो इतने सारे बैग रखे हैं अंदर, देती भी नहीं है, कहाँ पड़े हैं, लो पकड़ो आनंद जी, बहुत सारा बैग फट गया, कहाँ पड़े हैं बैग बहुत सारे, जाओ लियो सोमा, इसके सोमे जाओ लिया, चांदनी के होंगे शायद, गाड़ी की चाबी ले ली। तुमने दूसरा बैग मांगा था क्या आनंदी, नहीं मार पड़ी आज मार पड़ गई क्या आनंदी की, पड़ी थी क्या, चुटकी दवा दिखा, चुटकी दवाई बता, दिखा दिखा किधर दिखा बता, यहाँ दुख रहा है क्या है, ये चुटकी दवाई क्या यहाँ पे, आनंद जी सारा सामान नहीं गिरेगा, अंजलि इधर आओ तुम्हारा बैग दिखाओ, तुम्हारा बैग भी बहुत फट गया बेटा, दिखाओ हैं, ये बहुत सारा तो बहुत ज्यादा फट गया बच्चा, तो फिर मम्मी जी से ये तुम्हारा भी नया लेना पड़ेगा, तो देखते हैं चलो कोई बात नहीं देखते हैं। और ये तुम्हारा भी अजीता, ये अजीता का भी सारा बैग फटा हुआ है बच्चा, हैं पूरा बैग फट गया बेटा, हाँ चलो भागो, यहाँ पे कोई लोग अंदर आए थे, मैंने इनसे कहा खाना खिलाया था, हाँ। मैं गई थी, मैंने कहा मैं जा रही हूँ तुम बंद कर लो बाहर, हाँ। वो बच्चे, हाँ। कोई नहीं यहाँ बंद, इतनी ड्यूटी है तो अरे नहीं किस, कोई भी बच्ची खाली बेलन तो लगा, हाँ। देखिए मैं अंदर चलू, कोई भी घोच आए क्या करोगे तुम, नहीं फिर वो रेस्क्यू हो जाता ना 8 बजे सब 8 बजे, रोज की ड्यूटी है तो रोज समझ आना, नहीं नहीं रोज के मालूम है ना, अगर मालूम है कि नहीं है, मैं कहती तब तो कर लेती, खाना खा रहे थे ये लोग, मैंने कहा एक लड़की जाके बंद करो बेलन ठीक करो, नहीं तो यहाँ पे कोई नहीं है, और खाना खा के मैं थाली धन चली, कोई बंद यहाँ पे तीन लोग बोझा करो, मैं हर समय जा के बंद करूँ, ये बंद करे ये अच्छी बात है इसके बच्चों की, मैंने कहा पढ़ने में सर बेकार, मैं कई बार समझाती हूँ घर को तो सही रखो,
हमने सबको रोक लिया। हाँ पहले मैं बात करती थी, पढ़ाई वढ़ाई आजकल हो नहीं रही। हाँ अभी दिन में हो भी नहीं रही। जी खराब हो गया, बड़ी बड़ी बच्चियाँ किसी को बोल रही हैं, फिर वहाँ सब खुला पड़ा है, वहाँ से वहाँ तक वो दर्रा खुला पड़ा है, 8:30 बच्चियाँ, और तू कोई आ जाए तो तुम क्या करेंगे, इतना चिल्ला के यहाँ किसने नहीं सुना। फिर मैं अंदर गई, तब मैं रो रही थी, मैंने कहा तुमको ये होश नहीं है, मैं क्या कर लूँगी। एक तो इतनी सबको पता है कि वहाँ बंद करवा दो, बेरा नहीं करते, शाम को लाइट नहीं जाती है, तुम यहाँ रहती हो, अंधेरा हो जाए तो लाइट जला के आओ ना, पापा जी आते तो लाइट जला। देखा मेरे पत्रा अब देखो, अब कपड़े धुले ना, हाँ बहुत साफ हो गई, वो मैं आके खरीद तब कपड़े, ये पहले नहीं हो सकता था ये काम। सवा 6 बजे कपड़े भिगवा दिए थे, 9 बजे मैं यहाँ 8 बजे तो नहीं हूँ, 1 घंटे तो मुझे हो गया। पौने 8 बजे मैं आ गई थी, मैंने कहा तुमको 1.25 घंटे से और ये काम नहीं था, यहाँ का यहाँ चला वहाँ का अभी भी चला, कितना मैं करवाऊँगी। तभी मैं कल वो हो गई थी, मैंने सुबह इनको बुलाया सबको, उसके बाद देखो आज कोई स्कूल नहीं जाएगा, आने के मैं समय देखूँगा, टीचर सफाई करवा लो तो करती हो, और फिर मैं तुझसे बात करूँ, सफाई नहीं करवा। 6:15 बजे कहा कि कपड़े सब भिगवा दो और फिर साबुन लगवा के गुदंदे से, उसने अभी तक पड़े थे, उसने नाली नहीं साफ की, कुछ नहीं किया, कल शाम को खाना नहीं मिलता, खाना बाहर से आ गया था, कुछ नहीं, बर्तन नहीं थे, कुछ नहीं था, करती नहीं। गेट पूरा चौपट पड़ा हुआ है, कोई भी बच्चे कभी भी कभी निकल जाए, गेट पे कोई गार्ड नहीं है, गेट खुला पड़ा हुआ है। ये ममता दीदी ने बनाई है क्या? हाँ। फोटो क्लिक करने थे। और ये चांदनी दी बनाई थी। ये और दीदी इधर ये देखो, ये कौन बनाया था? सनम जी ने, सनम जी और कौन एक और दीदी। अच्छा उधर बनाया था क्या? देख भैया ये वाला रूम में गैस बुलाती तो सजा के रख रखा है, टॉय सजा के रख रखे। ये कैरम खेलने के लिए देना चाहिए ना तुम लोगों को, हैं? हाँ ये रूम है जो जिस रूम में सब आते हैं खाना खिलाने के लिए, तो ये रूम कैसे सजा के रख रखा है, साफ, फ्रिज भी नया यहाँ रख रखा है ताकि बच्चे यूज़ करें दिखाने के लिए। ये फ्रिज अच्छा होगा ना? हाँ ये फ्रिज नया होगा ना, ये रख रखा है यहाँ पे ताकि बच्चे दूसरे आते हुए देखें कि बच्चे कैसे नया फ्रिज नया सामान कैसे खाना खाते हैं, लोगों की गलत फहमी के लिए। वीडियो निकाल रहे फिर फोटो लेंगे, बहुत सुंदर लगे। वीडियो फिर तुमको भेज, सोनम को भेजती हूँ मैं सारे। आनंदी हो गया काम? ले लो दवाई, ले लो।
वो नीचे 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 कौन पोछा लगा रहा है? अच्छा अच्छा नहीं है क्या? तो काम है, ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। अब और क्या काम बाकी है? और क्या काम बाकी है? गैलरी में गैलरी में तो गैलरी में